So hi guys, welcome back to my YouTube channel. And in this video we're gonna be talking about something special. And special से मेरा क्या मतलब है कि special से मेरा ये मतलब है कि we'll be talking about two things in this video. First we'll talk about how to score more than 9 CGPA in BTech. And the second thing we'll talking about is why to score more than 9 CGPA. Right? So basically starting from the very first. That how I scored more than 9 CGPA in my engineering, not in first semester, but in every semester. And yaar, main to itna padhta bhi nahi tha, main to sirf exam time padhta tha. So if I can do this, you guys can definitely do this. So watch this video till end, because this video gonna be definitely going to boost you and will definitely going to help you to boost your CGPA and marks as well. So let's do this. सो गाइज आई होप कि आपने इंट्रो देख ही लिया होगा एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग कि हाउ टू स्कोर मोर देन 9 CGPA एंड आई डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि ये वीडियो काम की होने वाली है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि 9 CGPA लाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है. पहला पढ़ के जाना है, दूसरा आंसर्स लिख के आने हैं, तीसरा रिजल्ट चेक करना है. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. पहली चीज पे आते हैं. पहला है कि पढ़ के क्या जाना है. पहला पॉइंट को पार करते हैं पहले कि पढ़ के क्या जाना है इज अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस डाउनलोड करो और यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस पढ़ के चले जाओ. पहला और बहुत बेसिक पॉइंट जो नहीं करते लोग, यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही नहीं देखते, लगे हुए करने में टीचर्स के नोट्स से पढ़े जा रहे हैं. गलत है. यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस देखो और सिलेबस के पास पॉइंट टू पॉइंट जो जो होते जा रहे हैं उन्हें टिक टिक करके जाओ और पूरा सिलेबस कंप्लीट. पहली चीज हो गई. दूसरी चीज आती है हमें पेपर में लिख के आने हैं आंसर्स. अब आंसर लिखने की तीन चीज हो सकती हैं. या तो आंसर आता है, या आंसर नहीं आता, या आंसर नहीं आता लेकिन यू प्रिटेंड कि आपको आंसर आता है. ठीक है, अब पहले पे आता है कि आंसर आपको आता है तो एक अच्छे से अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपने उस आंसर को लिखा और दे दिया. दूसरा नहीं आता, नहीं आता में आपने क्या करा, क्वेश्चन को छोड़ दिया. अब जो तीसरा पॉइंट है दैट इज नहीं आता और आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको आता है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे किसी कोई किसी से पूछ रहे कि व्हाट इज योर नेम. ठीक है, अब व्हाट इज योर नेम में वो क्या बोलेगा, माय नेम इज मयंक. ठीक है, या वो दूसरा बोलेगा भाई मुझे अपना नाम ही नहीं पता. अब तीसरा क्या बोलेगा कि जो प्रिटेंड कर रहा है आंसर कि माय नेम इज मयंक, पीपल कॉल मी मयंक एंड माय पेरेंट्स कॉल मी विद माय निकनेम. तो अब वो इतने से आंसर को उसने कितना बड़ा कर दिया देखा. तो पेपर में हमको यही करना है कि हमको नहीं आता लेकिन हमें ऐसा लगवाना है कि हमें क्वेश्चन आता है. विद कॉन्फिडेंस लिख के आना है जो भी लिखना है. ठीक है, तीसरी चीज आती है रिजल्ट चेक करना. तो वो तो आप कर ही लोगे. ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्कोर करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं कि डोंट क्रैम. चीजें रट्टा मारने से नहीं आती और अगर आ भी रही है ना तो पेपर के टाइम आप आधा लिख के आओगे आधा भूल जाओगे. तो जो चेक कर रहा होगा ना उसे ऐसा लगेगा कि यार इसे तो आता ही नहीं है, काट दो, इसे आता ही नहीं है, काट दो. बल्कि अगर आप समझ के करके जाओगे और अपने आसान इजी लैंग्वेज में लिख के आओगे ना तो उसे लगेगा हाँ इसे आता है, इसे एटलीस्ट पता है ये चीज, तो वो टिक मार के पूरे नंबर देगा. ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी हमें. क्या नहीं करना, रट्टे नहीं लगाने. ठीक है, उसके बाद आता है फाइंड योर जोन. अब क्या कर रहे हैं पेपर के टाइम, पेपर से पहले पढ़ना स्टार्ट करा, उतने टाइम में भी हम क्या कर रहे हैं, टीवी देखते देखते पढ़ रहे हैं, गाने सुनते सुनते पढ़ रहे हैं. तो ये नहीं करना, हमें अपनी एक जोन, हमें अपना एक अलग से एरिया ले लेना है जिसमें हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए तो पढ़ना ही है तो उसे अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है, ये करना है. नाउ उससे नेक्स्ट आता है कि स्टडिंग फ्रॉम बुक्स रादर देन पीडीएफ. ठीक है, अब पेपर के टाइम पीडीएफ शेयर हो रही है, भाई मुझे इसकी भेज दे, भाई मुझे उसकी भेज दे. तो यार पीडीएफ से अच्छा है आप एक अच्छे अपने खुद के गुड ग्रेड्स, गुड नोट्स बनाओ जो कन्वर्ट हो सके गुड ग्रेड्स में. ठीक है, गुड नोट्स इज इक्वल टू गुड ग्रेड्स. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे विच यू गाइज शुड रिमेम्बर ड्यूरिंग योर सेमेस्टर एग्जाम्स जो आपको हेल्प करेंगे अपने मार्क्स स्कोर करने के लिए. अब हम देखेंगे कि वाई वी नीड टू स्कोर मोर देन 9 CGPA
कि हमें ऐसा क्या बेनिफिट होगा कि हमें 9 CGPA स्कोर करना होगा. सो गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई डू सीजीपीए डू मैटर्स इज यू नो आई वांट यू टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड आई डोंट वांट यू टू लर्न इट इन अ हार्ड वे बिकॉज सीजीपीए मैटर्स एंड इट फिल्टर्स यू आउट राइट. मतलब पूरे क्राउड में द ओनली थिंग दैट कुड फिल्टर यू आउट इज योर सीजीपीए. अब इतने सारे सीवीज होंगे, किसी को कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन बंदा अच्छा है? तो वो क्या होगा, वो सीजीपीए. सीजीपीए मैटर्स राइट. तो सीजीपीए आपको उन लोग से अलग स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा. फर्स्ट चीज जो सीजीपीए लानी चाहिए. सेकेंड, यू नो अगर किसी को मास्टर्स करने बाहर जाना है तो सीजीपीए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. ठीक है, अब मेरे नोन के साथ केस हुआ था ये, दैट एक बंदा है जिसको जीआरई एग्जाम पता है, दैट वो बाहर जाने के लिए होता है. एंड एक बंदा है, वो मेरा नोन है, उसपे 325 स्कोर किया था इन जीआरई एग्जाम. एंड उसी के साथ एक पार्टनर था उसका, उसने स्कोर किया था 310. ठीक है, एंड जो 310 था उसे टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था एंड 325 को नहीं मिला था. क्यों? क्योंकि जो 310 वाला था उसके जो सेमेस्टर्स में ग्रेड पॉइंट्स थे, सीपीआई थी उसकी, वो ज्यादा थी उससे 325 वाले से. तो जो थिंग मैं जो चीज मैं बता रहा हूं, दैट इज सीजीपीए डू मैटर्स राइट. एंड बाय एनी चांस इफ योर सीनियर्स टेल यू दैट इट डजंट मैटर, जस्ट चिल आउट इन द कॉलेज, देन स्क्रू देम मैन एंड टेल देम दैट इट डज एंड आई नो द रियलिटी. ठीक है, तो सीजीपीए डू मैटर्स एंड दैट्स ऑल. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट CGPA do matters and go in that straight way that you know the reality. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो बाद में regret हो कि यार मैंने तो पढ़ ही नहीं, काश पढ़ लिया होता, हल्का भी पढ़ लिया होता. तो I want you guys to know that CGPA really matters. अगर आज नहीं तो कल वो matter करेगी. अब एक मान लो एक position है, ठीक है, उस position के लिए 60,000 लोगों ने apply करा, जिसमें से 20,000 जो है वो qualify कर गए. जो भी technical rounds है, जो भी rounds है, 2,000 लोग qualify कर गए. अब 2000 में से अलग स्टैंड आउट होना है, पोजीशन सिर्फ 20 है उस चीज के लिए. तो फिर उन 2000 में से अलग 20 जो क्राउड में दिखोगे वो सीजीपीए आपको शो करेगा. ठीक है, तो यही चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी. एंड यार सीजीपीए डू मैटर्स, फिक्स दिस इन योर माइंड. इफ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई थिंक कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो निकालता हूं दैट परफेक्टली defines that topic. तो you guys can definitely subscribe to my channel. तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और ऐसी videos के लिए.